सभी धर्म मित्रों को मेरा नमस्कार। मित्रों, क्या हमारा जीवन भी मृग मरीचिका की भांति है? एक हिरण जब प्यास से तड़पता है तो उसे दूर पानी नजर आता है और अपने प्यास को बुझाने के लिए भागते हुए वहां जाता है, लेकिन जब वह वहां पहुंचता है तो उसे सिर्फ गर्म रेती दिखाई देता है। क्या हम सभी भी अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए ऐसे ही भाग रहे हैं? इसी संदर्भ से जुड़ा एक कहानी है जो भगवान बुद्ध के समय का है। भगवान बुद्ध के समय में एक भिक्षु भगवान बुद्ध से विपस्सना साधना सीखने के बाद वह गहराई से इसका अभ्यास करने के लिए वन में जाता है और ध्यान करना प्रारंभ कर देते हैं। उस भिक्षु का मन बहुत ही चंचल था। वह पूरा मेहनत से लगन से इसका अभ्यास करने के बाद भी अपने चित्त को नहीं समझ पाते हैं, अपने मन को समझ नहीं पाते हैं और अपने मन को वश में नहीं कर पाते हैं। इससे वह दुखी होकर के, निराश होकर के सोचता है कि क्यों न मैं श्रावस्ती जाऊं और भगवान बुद्ध से मिल करके इसका निवारण पाऊं। तो वह वहां से बुद्ध की ओर, श्रावस्ती की ओर चल देता है। जब वह भगवान से मिलने जा रहा था तो वह रास्ते में मृग मरीचिका को देखता है। इसे देखने के बाद इनका अंत नेत्र खुल जाता है और ये मन ही मन सोचने लगता है कि कितने आश्चर्य की चीज है ये मृग मरीचिका। बालू से तप्त भूमि पर दूर से देखने से ऐसा आभास होता है कि वह पानी है, लेकिन जब कोई आदमी या जानवर उसके करीब पहुंचता है तो उसे पानी नहीं मिलता है। फिर कुछ दूर आगे पुनः तप्त बालू के ऊपर पानी का आभास होता है। एक व्यक्ति या जानवर मृग मरीचिका के पीछे दौड़ता है कि उसे पीने के लिए कुछ पानी प्राप्त हो जाए, पर उसे पानी नहीं मिलता, बल्कि पानी के पीछे भागते भागते अपने प्राण को गंवा देता है। क्या मेरा जीवन भी मृग मरीचिका की भांति है? हम धन दौलत, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के पीछे भागते रहते हैं, पर धन दौलत, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा आदि किसी के भी तृप्ति से हमारा मन नहीं भरता है। कोई एक चीज के प्राप्ति पर पुनः दूसरे चीज को प्राप्त करने के लिए मन में तृष्णा जग उठता है। ऐसे तृष्णा के पीछे दौड़ते दौड़ते हम अंततः मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। वह भिक्षु ऐसा सोचते विचारते भगवान बुद्ध के पास पहुंच जाता है। भगवान बुद्ध के पास में अन्य बहुत सारे भिक्षुगण और उपासकगण भी बैठे हुए थे। वह भिक्षु के आते ही भगवान बहुत ही प्रसन्न होता है और कहता है कि तुमने सत्य को जान लिया है। भिक्षुओं, जो भिक्षु इस शरीर को झाग के समान या मृग मरीचिका के समान जानता है, वह मार के फंदे को तोड़कर यमराज की दृष्टि से दूर हो जाते हैं, अर्थात ये जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे ही यह मृग मरीचिका नामक भिक्षु ने सत्य को जान लिया है, सोतापत्ति, सगदागामी, अनागामी अर्हत को प्राप्त कर चुका है। उस भिक्षु को ये मृग मरीचिका को देखते देखते ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, चेतना खुला था, इसीलिए उनका नाम भी मृग मरीचिका पड़ा। दोस्तों, हम सभी भी समाज में भाग दौड़ भरी जिंदगी जी रहे हैं। हम लोग भी इस भाग दौड़ भरी जिंदगी से कुछ समय निकाल करके अपने जीवन के बारे में, अपने दिनचर्या के बारे में कुछ सोच सकते हैं। इससे हमारे चिंता और अशांति से भरा मन शांत हो सकता है और ये जन्म मरण के चक्र से हम भी छूट सकते हैं। फेनुपमंग कायमिमंग विदित्वा मरीचि धम्मं अविसंबुधानो छित्त्वा मारस्स पुप्फकानि आदस्सनं मच्चुराजस्स गच्छो।